चीन खुद को इतना चालाक समझता है कि उसे उसकी चालाकी ही फंसवा देती है। अब देखिए ना, जो चीन तिब्बत और ताइवान के मामले में तीसरे देश के दखल से बौखला जाता है, वो पीओके की जब बात आती है तो ऐसे व्यवहार करता है जैसे वो पाकिस्तान का हिस्सा है। उसमें रत्ती भर का बदलाव नहीं है। और तो और, पीओके को लेकर भारत और भी ज्यादा मन बना चुका है कि उसे वो वापस लेकर ही रहेगा। लेकिन पीओके को लेकर खबर है कि ड्रैगन सीपीईसी के प्रोजेक्ट के तहत जो पैसे लगा रहा है उसमें पाकिस्तानी सेना की मदद से पीओके में एक सैन्य अड्डा बनाने का प्लान तैयार किया गया है। चीन छुप छुपा कर पाकिस्तानी सेना की मदद से पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के गिलगित क्षेत्र में एक सैन्य अड्डा बनाने में लगा हुआ है। इस नापाक हरकत के कारण भी चीन और पाकिस्तान लगातार माहौल खराब करने में लगे हुए हैं ताकि वो भारत का ध्यान भटका सकें। चीन पाकिस्तान में सीपीईसी के तहत बंदरगाहों, सड़कों, रेलवे और बिजली संयंत्रों का निर्माण कर रहा है। चीन का मकसद ग्वादर पोर्ट के जरिए दुनिया में माल निर्यात करना है, जो मलक्का जल डमरू मार्ग पर निर्भरता को कम भी करता है। चीन ने हमेशा यह आशंका जताई है कि मलक्का जल डमरू मध्य में भारत और अमेरिका उनके लिए मुसीबत बन सकते हैं। यही कारण है कि चीन अपनी सारी शक्ति पाकिस्तान में खर्च कर रहा है। एशिया टाइम्स की रिपोर्ट की माने तो चीन ने हाल ही में सीपीईसी के तहत एक और 11 बिलियन डॉलर की परियोजना की मंजूरी दी है। इसमें कई चीनी परियोजनाएं पीओके में चलाई जानी है। स्थानीय रिपोर्ट के मुताबिक भले ही पाकिस्तानी प्रशासन इस बात से इनकार करता है, लेकिन उसने गुपचुप बाल्टिस्तान में चीनी सेना को अपने ग्वादर और इस सैन्य ठिकानों का उपयोग करने का अधिकार दिया है। गिलगित पीओके का हिस्सा है जो भारत का है। चीन ग्वादर और गिलगित दोनों में अरबों डॉलर का निवेश कर रहा है। ऐसे में अगर भारत पीओके की तरफ बढ़ता है तो चीन आर्थिक रूप से इतना बर्बाद हो जाएगा कि दूसरों को कर्ज के जाल में फंसाने की जगह वो खुद एक एक दाने के लिए तरस जाएगा। कश्मीर पर भारत के स्टैंड के बाद से ही मन ही मन में पाकिस्तान ये मान चुका है कि पीओके आज नहीं तो कल भारत के पास चला जाएगा। ऐसे में वो चीन को पीओके में सैन्य अड्डा बनाने की जगह दे रहा है, जिसके जरिए वो भारत के खिलाफ कोई नई साजिश तैयार कर सके। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।